आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। इस आखिरी टॉपिक का नाम है यील्ड। छोटा सा टॉपिक है और कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं। यील्ड एक जनरल वर्ड है जो कि यूज होता है प्रोडक्ट के तौर पे। एक वर्ड है, एक टर्म है कि कितनी प्रोडक्ट हमारी बनी है वो हमारी यील्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान का बाग था और उसने एक साल फसल उगाई और फसल उगाने के बाद अगर उसके पास 10 टन वीट, सपोज उसका गंदम का बाग था, गंदम की फसल थी, गंदम के खेत थे, तो उसकी जो प्रोडक्ट हुई वो 10 टन जी है, उसने गंदम पैदा की जो कि उसके उस साल की क्या थी, यील्ड थी। तो यील्ड एक जनरल टर्म है जो कि यूज होती है कि कितनी प्रोडक्ट आपके पास डेवलप हुई है। अब साइंस में हमेशा दो चीजें साथ साथ चलती हैं, एक होती है थ्योरी और एक होता है एक्सपेरिमेंट। ये चीजें बहुत ही ज्यादा आपस में इंटररिलेटेड है। थ्योरी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें डिफरेंट चीजों में हेल्प आउट करती है, लेकिन जब आप किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो थ्योरी के बिल्कुल उसी तरह एग्जैक्टली मैच नहीं करता। उसकी वजह क्या? फॉर एग्जांपल, हमने स्टोइकोमेट्री पढ़ी है। स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशन में हमारे पास एग्जैक्ट आंसर्स आते हैं। एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं तो उसमें कोई ना कोई चीज ऊपर नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब जो परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट, उसकी उसके टेक्निक में या उसके काम करने के तरीके में कोई ऐसा एरर होता है जो आपकी आपके आंसर पे फर्क डाल देता है। तो ये थ्योरी और एक्सपेरिमेंट आपस में हमेशा से डिफरेंट होते हैं। अब हम यील्ड की बात कर रहे हैं तो थ्योरेटिकल यील्ड और एक्सपेरिमेंटल यील्ड या एक्चुअल यील्ड। अब होता क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। सपोज करें एक रिएक्शन होना है ए, जिसमें बी और सी में कन्वर्ट होना है। कोई एक चीज ए थी जो रिएक्शन होने के बाद बी और सी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मेरे पास ए के 100 ग्राम था, मैं इससे बी की प्रोडक्ट भी निकाल सकता हूँ, सी की प्रोडक्ट भी निकाल सकता हूँ। किसकी मदद से? उस टेक्निक की मदद से जो हम पिछले 2-3 टॉपिक्स में कवर करते रहे हैं, जिसका नाम है स्टोइकोमेट्री। ये 100 ग्राम जिन से हैं, ये सपोज कर लें कि रिएक्शन के बाद जब मैंने सारी चीजें सोल्व की तो 100 ग्राम से मेरे पास जो बी थी वो कितनी आ गई, 40 ग्राम फॉर एग्जांपल। अब जब यही रिएक्शन मैं लैब में परफॉर्म करूंगा या इंडस्ट्री में मैं इस रिएक्शन को परफॉर्म करूंगा 100 ग्राम लेके, तो आपका क्या ख्याल है कि जो बी की क्वांटिटी है वो 40 ग्राम बनेगी? विल बी इक्वल टू 40 ग्राम? कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ वजूहत हैं। सबसे पहला क्या है, टेक्निक। समटाइम्स क्या होता है कि आपकी इस चीज को बनाने की टेक्निक, ये नहीं है कि ए को रखा और वो बी और सी में कन्वर्ट हो गया। कोई भी रिएक्शन जो है वो कंडीशंस मांगता है, कंडीशंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी रिएक्शन के प्रोसीड करने में। अगर उसकी रिक्वायर्ड कंडीशंस नहीं मिलेंगी तो वो रिएक्शन कभी भी नहीं होगा। तो अगर आपकी कंडीशंस ठीक नहीं है तो आपकी यील्ड जो होती है वो डिफरेंट आएगी। दूसरी चीज आ गई टेक्निक, उसको बनाने की टेक्निक गलत हो सकती है। तीसरी चीज आ गई ह्यूमन एरर। जो बंदा परफॉर्म कर रहा है वो हो सकता है कि ले तो 100 ग्राम ही, लेकिन उसको डालने या निकालने या किसी भी हैंडलिंग के दौरान उसकी क्वांटिटी जो है वो 100 से कम हो जाए, किसी वजह से जाया हो जाए, तो ये ह्यूमन एरर बीच में आ जाता है। और नंबर फोर वो इसमें ये होता है कि समटाइम कोई ना कोई साइड रिएक्शन हो रहा होता। सपोज करें मैंने एक कंटेनर के अंदर अपनी प्रोडक्ट डाली ए, लेकिन कंटेनर साफ नहीं था या कंटेनर की बेस पे कोई केमिकल था या कोई रिएक्शन या कोई सॉलिड या कोई भी चीज थी। ए सबसे पहले क्या करेगा, इसके साथ जाके रिएक्ट करेगा।
अब जाहिर सी बात है ए की कुछ क्वांटिटी इस रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाएगी, तो जो हमारा असल रिएक्शन होना है ये वाला, उसके अंदर फिर अब ये 100 ग्राम यूज नहीं होगा, वो ये 95 रह सकता है, 95 से कम रह सकता है। तो हमारी जो एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल यील्ड जो है वो हमेशा हमेशा कम होगी थ्योरेटिकल यील्ड से, क्योंकि थ्योरी में हम ये सारी चीजें कंसीडर नहीं कर सकते कि ह्यूमन एरर में वो कितनी प्रोडक्ट हमारी जाया कर रहा है, साइड रिएक्शन तो नहीं हो रहा, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। थ्योरी में हम सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते हैं और अपने आंसर की तरफ चले जाते हैं। तो ये तो हो गया यील्ड। अब एक केमिस्ट को या एक केमिकल इंजीनियर को जो कि इंडस्ट्री में बैठा हुआ है, वो किस चीज में इंटरेस्टेड है? वो इंटरेस्टेड है परसेंटेज में। तो आज चैप्टर में हम जो चीज फाइंड आउट करेंगे वो परसेंटेज यील्ड है, कि कितने परसेंटेज ये जो है पैदा कर रहा है यील्ड। अगर वो कहता है जी 90% परसेंटेज यील्ड इसकी 90% है, इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन जो है वो काफी हद तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब क्या है कि 10% जो है आपकी प्रोडक्ट वो जाया हो रही है या किसी और जगह पे इस्तेमाल हो रही है। तो ये एक्चुअल ये परसेंटेज यील्ड है, ये जितनी 100% के करीब होगी, करीब ये इसके बराबर कभी भी नहीं होगी, ये जितना जितना उसके करीब होगी उतना ही रिएक्शन आपका अच्छा कहलाएगा। तो हम परसेंटेज यील्ड में इंटरेस्टेड होते हैं। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला हम देख लेते हैं, ये ऐसे ही है कि 100 ग्राम से फॉर एग्जांपल 40 ग्राम बननी थी, ये तो थी थ्योरेटिकल यील्ड, लेकिन असल में बनी कितनी? बन गई जी 35 ग्राम। तो ये हमारी एक्चुअल यील्ड। तो जिस तरह हम परसेंटेज निकालते हैं कि जितने नंबर किसी के आते हैं, अगर किसी बंदे के 40 में से 35 नंबर आए तो हम उसकी परसेंटेज 35/40 × 100 कर देते हैं, इसी तरह ये क्या होगी एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से हम अपनी परसेंटेज यील्ड को निकाल लेंगे और केमिस्ट इसी क्वांटिटी में इंटरेस्टेड होते हैं ताकि उन्हें पता लगे कि उनके रिएक्शन में लॉस कितना हो रहा है और उस लॉस को वो कैसे दूर कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम अपने बुक की एक आखिरी एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 14, और इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। वो कह रहा है जी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम CaCO3 इसको आपने ब्रेक डाउन किया और आपके पास बना CaO+CO2। वो कह रहा है जी वन लाइमस्टोन जो कि CaCO3 है, लाइमस्टोन इज रोस्टेड, इसको मतलब बर्न किया, क्विक लाइम इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये क्विक लाइम, क्विक लाइम इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, द एक्चुअल यील्ड ऑफ CaO। कह रहे जी एक्चुअल असल में जो बनी है यील्ड वो क्या है 2.5 kg। कब? जब व्हेन 4.5 kg ऑफ लाइमस्टोन इज रोस्टेड। कह रहे जी मैंने 4.5 kg जो उनका है लिया, उसको मैंने बर्न किया और मेरे पास 2.5 kg जो है वो बना। आप इसकी परसेंटेज यील्ड फाइंड करो, आप ये बताओ कि ये रिएक्शन कितना परसेंटेज यील्ड इसकी क्या है। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब 4.5 kg से 2.5 kg जो बन रही है, ये तो मेरे पास आ गई क्या एक्चुअल यील्ड, क्योंकि असल में ये उसने एक्सपेरिमेंट किया और इतनी चीज बना ली। अब मैं निकालूंगा थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। थ्योरेटिकल यील्ड कैसे आएगी, मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं, CaCO3 फॉर्म CaO+CO2। इसका एक मोल और इसका एक मोल में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मेरे पास एक मोल CaCO3 है तो CaO का एक मोल बन रहा है और CO2 का एक मोल बन रहा है। इसके एक मोल में कितने ग्राम होंगे, इसके मोलर मास होगा, वो मैं लिख देता हूँ 40 कैल्शियम कार्बन 12 ऑक्सीजन 3 इंटू
16, ये आ गया जी 100, सबको अब ऐड करें, ये 100 बन जाता। कैल्शियम ऑक्साइड 40 कैल्शियम सीजन 6, 56 ग्राम, इसके एक मोल में इसके 56 ग्राम हैं, इसके एक मोल में इसके 100 ग्राम हैं, और इसके एक मोल में कितने हैं कार्बन 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 44। अगर मैं इन दोनों को जमा करूं तो भी ये मास बैलेंस लगा हुआ है, 100 ग्राम इज इक्वल टू 56 प्लस 44। अब 100 ग्राम अगर मेरे पास हो तो 56 ग्राम मेरे पास CaO बनेगा, इसको मैं यूज करते हुए 4.5 केजी के लिए निकाल लूंगा। अब सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, मैंने अपने यूनिट्स को ठीक करना है। मेरे पास क्या है, ये केजी में गिवन है, लेकिन मैं कैलकुलेशन किस में करने जा रहा हूँ, ग्राम्स में। तो मैं पहले किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करूंगा। मेरे पास जो गिवन है वो है जी 3 कितनी गिवन मुझे 4.5 ग्राम किलोग्राम्स, ये कितनी होगी 4.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ये आ जाएगी 4500 ग्राम्स। और CaO जो थी मेरे पास एक्चुअल यील्ड जो थी वो 2.5 केजी थी, तो ये कितने ग्राम्स हो जाएगी 2500 ग्राम्स। अब उसी तरह मैं रिएक्शन को तो यहाँ पे एक दफा से फिर से लिख देता हूँ, CaCO3 on CaO plus CO2 100 ग्राम्स। अगर मैं लूँ तो 56 ग्राम ये और 44 ग्राम्स ये। अब मुझे कंपेयर करना है किस किस को, कैल्शियम कार्बोनेट और CaO को, कैल्शियम कार्बोनेट CaO, इसका अगर 100 ग्राम हो तो ये कितना बन रहा है 56, ये कहां से आया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। इसका अगर 1 ग्राम हो तो ये हो जाएगा कितना, इसके मेरे पास कितने ग्राम है, इसके मेरे पास 1 नहीं, इसके मेरे पास 4500 ग्राम है। तो ये जो 1 की क्वांटिटी हमने निकाली थी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4500 के साथ, ये 00 से कैंसिल, 56 को जब मैं 54 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा 2520 ग्राम्स। ये मेरे पास अब आ गई थ्योरेटिकल यील्ड और ये मेरे पास थी एक्चुअल यील्ड। अब मैं इन दोनों को फॉर्मूले में पुट करूंगा और मेरे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी जो कि हमसे उसने मांगी हुई है, परसेंटेज यील्ड दिस इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड कितनी है, उसने सबसे पहले क्वेश्चन ही में दे दी थी 2.5 केजी, तो उसको हमने कन्वर्ट किया 2500 ग्राम। थ्योरेटिकल यील्ड हमने निकाली है इक्वेशन से, वो होती है 2520 ग्राम, इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो अगर आप इसको सोल्व करें तो आपका आंसर आएगा, ये आएगा 0.992 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 99.2 परसेंट आपके पास क्या आ गई, परसेंटेज यील्ड। मतलब कि वो जो रिएक्शन हो रहा है उसमें आपकी चीज जाया कितनी हो रही है, CaCO3 जाया कितना हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 0.1% हो रहा है। ये कहां से आया, टोटल 100 में से मैंने परसेंटेज यील्ड को माइनस किया, तो आपके 4.5 केजी में से जी का सिर्फ 0.8% जो है वो किसी और रिएक्शन में या किसी और चीज में जाया हुआ है, बाकी सारा का सारा टूट रहा है अपनी दो प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये परसेंटेज यील्ड हमें बताती है कि मेरी चीज कितनी जाया हो रही है और मैं कौन सी टेक्निक लगा के इसको मैक्सिमम कर सकता हूँ। कभी भी जो आपका ये वाला आंसर है ये 100% नहीं आएगा, हाँ 100% के करीब करीब आ सकता है, जैसे कि ये आया है 99.2%। तो जितना करीब होगा
100% को उतना ही आपका रिएक्शन इफेक्टिव और उतना ही आपका जो है रिएक्शन इफेक्टिव के अलावा फ्रेंडली भी होगा कि आपकी चीज जो थी वो जाया नहीं हो रही, उतना ही ज्यादा वो इकोनॉमिकली आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। जब भी हम इंडस्ट्री में किसी चीज की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इकोनॉमी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कॉस्ट होती है कि कोई चीज जाया तो नहीं हो रही किसी भी सूरत। तो जितनी कम आप जाया करेंगे उतनी ही कम कीमत पर आप वो चीज बना रहे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीके से आप उसको मार्केट कर रहे होंगे। तो ये परसेंटेज यील्ड जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीके से अब हमारा चैप्टर जो है वो पहला चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। सारी चीजें हमने कोशिश की है कि इसको काफी डिटेल में जाके करें, फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में हो तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उस सिलसिले में। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो रहा है, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि काफी इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा भी है और एक्सपेरिमेंटल है। तो नेक्स्ट टाइम अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर विद एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर लिया है।